अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ, वही गीत मैं तेरे लिए। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल अरमान भरा, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों, आज जिस मशहूर सिंगर की मैं बात कर रही हूँ वो 40s और 50s के दौर के टॉप मोस्ट प्लेबैक सिंगर थे और उन्होंने अपनी मखमली आवाज़ का ऐसा जादू जगाया था जिसे आज तक लोग नहीं भूल पाए और कभी नहीं भूल पाएंगे, और वो थे तलत महमूद। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। 24 फरवरी 1924 में पैदा हुए थे तलत महमूद लखनऊ में। गाने का शौक उन्हें बचपन से था और वो गाने को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे, लेकिन उनके जो वालिद थे वो बहुत पुराने ख्यालात के थे, दकियानूसी यानी ऑर्थोडॉक्स। उनका नाम था मंजूर महमूद और वो गाने बजाने के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, गाने बजाने को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया कि मियाँ, अगर तुम गाने को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो पहले घर छोड़ दो। और तलत महमूद ने वाकई घर छोड़ दिया और ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ पे गज़लें गाने लगे। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए और बहुत जल्दी उन्हें एक दो फिल्मों में गाने का मौका भी मिल गया, लेकिन वो कहते थे कि असल में मुझे शोहरत मिली जब मशहूर संगीतकार अनिल बिस्वास ने अपनी एक फिल्म में मुझसे गाना गवाया। फिल्म का नाम था आरजू और वो गाना सुपरहिट हो गया। ले चल जहां कोई ना हो अपना कराया, मेहरबाना मेहरबान कोई ना हो। दोस्तों, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि तलत महमूद लखनऊ में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी बिल्कुल लखनवी अंदाज में की गई थी, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोबर, संजीदा और डिग्निफाइड थे। और मैंने फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया और कहा कि तबस्सुम, मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा थरथराती है, कांपती है, और मैं अपनी इस आवाज़ को अपना माइनस पॉइंट समझता था, लेकिन ऊपर वाले ने इसी माइनस पॉइंट को मेरा प्लस पॉइंट बना दिया क्योंकि मेरी आवाज सबसे अलग और सबसे जुदा लगती थी लोगों को। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तलत महमूद जब टॉप मोस्ट प्लेबैक सिंगर बन गए और बेशुमार सुपरहिट गाने गा लिए तो उन्होंने सोचा कि अब ज़रा कैमरे के सामने आकर भी मैं अपनी किस्मत आजमाऊं। इसलिए वो
हीरो बन गए और कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़ी बड़ी हीरोज के साथ काम भी किया, बहसियत हीरो। मार गई तेरी बाकी अदा, यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा, अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ। मार गई तेरी बाकी अदा। 1951 में तलत महमूद ने शादी कर ली, लव मैरिज कलकत्ता में एक बंगाली क्रिश्चियन लड़की के साथ। उनकी बीवी का पहले नाम था लतिका, लेकिन शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम रखा नसरीन। उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा खालिद और एक बेटी सबीना। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। तलत महमूद कहते थे कि एक बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा, मैं सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता था। और नौशाद अली साहब इतने बड़े संगीतकार थे, लेकिन बार बार मेरी मोहब्बत में मुझे टोकते थे और रोकते थे और कहते थे तुम सिगरेट पीना छोड़ दो वरना तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा। लेकिन अफसोस कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। आखिरी दिनों में तलत महमूद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उन्हें पार्किंसन हो गया था। डॉक्टर आए, देखा और कहा कि हमें ये बताते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि अब आप जिंदगी भर नहीं गा सकेंगे। और ये सुनते ही तलत महमूद बिल्कुल टूट गए। दुनिया बदल गई ऐसी चली हवा के खुशी दुख में ढल गई। तलत महमूद के पास सब कुछ था, इज्जत दौलत शोहरत। मुंबई में बहुत शानदार बंगला था, मोटरें थीं, नौकर चाकर थे। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यह है कि इन सारी चीज़ों को इंजॉय करने के लिए जिंदगी बहुत कम पड़ गई। दिल भर गया मैं यहाँ जीतेगी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। तलत महमूद कहते थे कि गाना गाना मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी मुझसे छिन गई, अब मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। वो ये सोच सोच के डिप्रेशन में चले गए और कुछ ही अरसे के बाद उनकी डेथ हो गई 9 मई 1998 में। दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। ढूंढ ले अब कोई नया। मेरे दिल कहीं और चल। तलत महमूद तो चले गए, लेकिन जब तक उनकी मखमली आवाज हमारे कानों में गूंजती रहेगी, उनकी याद हमारे दिल में महफूज रहेगी। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़।